आप सुनो प्लीज। लक्ष्मी इधर देखो, अपन ने जो कल एक्सरसाइज किया था उसमें दो सेंटेंसेस में आपको डाउट आ सकता है। एक में अपन ने लिखा है शी इज अ मदर टेरेसा, ही इज अ हरिश्चंद्र, और दूसरी जगह अपन ने लिखा है शी इज द मदर टेरेसा ऑफ आर कॉलोनी, ही इज द हरिश्चंद्र ऑफ आर क्लास। ये था ना? अब ऐसा क्या, कौन सा वाला? कल जो कराया था सेंटेंसेस, She is a Mother Teresa, He is a Harishchandra, कहीं किया था? अच्छा, तुम्हारे पास कॉपी में नहीं हो तो भी मैं जो कह रही हूँ वो समझ जाओ, मैं जो कह रही हूँ बस उस बात को समझो, ढूंढो मत, कॉपी वॉपी में ढूंढो मत, बात को समझो। संसार में या संसार को भी छोड़ो, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में, है ना, अगर हम गांव या शहर का नाम ना लें, हम एक जनरल बात कह रहे हैं, अरे वो तो हरिश्चंद्र है। दुनिया में बहुत सारे बहुत ईमानदार लोग होते होंगे और प्रत्येक एक हरिश्चंद्र ही है, इसलिए दुनिया में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र एक क्वालिटी का प्रतीक है और दुनिया में तो कितने ही ईमानदार लोग होते होंगे, सभी हरिश्चंद्र हैं, सभी की तुलना हरिश्चंद्र से की जा सकती है, जनरल ट्रूथ है, इसलिए आपने कहा ही इज अ हरिश्चंद्र। ही इज अ हरिश्चंद्र का मतलब जनरली वो ईमानदार है। अब हमने कहा ही इज अ हरिश्चंद्र, परंतु हमारे क्लास, पर्टिकुलर क्लास में ये पर्टिकुलर लड़का हरिश्चंद्र है। अब हमने कहा ही इज द हरिश्चंद्र ऑफ आर क्लास। हमने कहा किसी को देखा हमने, बहुत से नो टॉक कृतिका एंड भावना, कृतिका जो डिस्टर्बिंग भावना, भावना नेवर टॉक्स, ओके। सो नाउ मदर टेरेसा फेमस थी अपने सेवा भाव के लिए। अपन किसी को कहीं देखते हैं, चलते रास्ते किसी को देखते हैं या किसी से मिलते हैं, बहुत सेवा भावी है, क्या वो अकेली सेवा भावी है? नहीं, उसकी तरह बहुत लोग होते होंगे। तो जब हम अपने सेंटेंस को यहां रोक देते हैं व्यक्ति पे, शी इज अ मदर टेरेसा कहेंगे, हमने ये नहीं कहा कहां की, हमने सिर्फ ये कहा कि उसकी क्वालिटी मदर टेरेसा वाली क्वालिटी है, शी इज अ मदर टेरेसा, ही इज अ हरिश्चंद्र, ऐसे कहा हमने। पर जैसे ही हम उसको सीमित कर देते हैं, ये हमारे मोहल्ले की मदर टेरेसा है, ये हमारे क्लास का हरिश्चंद्र है, अब क्या होगा? द आ जाएगा। Is this clear? Yes, ma'am. हाँ? Yes. एक अपन कहते हैं, सोनू बड़ी अच्छी कविताएं गाता है, अपन कहते हैं, सुनो, pay attention, he is a Kalidas, पर अब हमने he is a Kalidas, हमने जनरल बात करी है, he is a Kalidas, यानी वो एक कवि है। अब हम कहना चाह रहे हैं ये हमारी क्लास का कालिदास, मतलब हमारी क्लास में सोनू की वो स्थिति है, हमारी क्लास में सोनू की वो स्थिति है जो कालिदास की कंट्री में थी, वर्ल्ड में थी, जापान में थी। अब हमने कहा ही इज द कालिदास ऑफ आर क्लास, ऑफ दिस क्लास, वहां अपने द लगाया। जैसे आपने उसको एक लिमिट में बांध दिया, पर्टिकुलर बन गया, वहां द लगाया, और जब आपने जनरल बात करी तो वहां आपने अ लगाया। इज दिस क्लियर? चलो अब आज हम इससे पहले के रूल्स करें। मैंने दो शीट्स आपको आज, बहुत सारी शीट्स भेजी हैं, दो शीट मैंने कहा था कि आज शाम के लिए उतार लेना, अगर उतारने को टाइम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उतारने को टाइम
पढ़ लूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं करा दूँ। तो मैंने जो आपको बड़ा पीडीएफ दिया है ना, दो पीडीएफ थे, 43 पेजेस है वो, उससे ज्यादा कोई आपको कितना आर्टिकल्स और क्या करा देगा। तो आज मैं आपको वो दो शीट्स करा रही हूँ, प्लस हम रूल्स देखेंगे। ये 43 शीट्स अपने पास रखो, आपके पास अगले शनिवार तक का समय है। आप जितने भी रूल्स मैं करा चुकी हूँ उसके बेसिस पे खुद ही सॉल्व करो, और हम सैटरडे को एक एक सेंटेंस को क्लास में रूल समेत हम थोड़ा अपना अपनी तरफ से कोशिश करो ताकि पता चले कि तुम्हें कितना समझ में आया नहीं आया। 43 शीट्स तो बहुत होते हैं, है ना, अच्छे से बैठ जाएगा। अब ये देखो, एक्सरसाइज 1 है और 1 है जिसमें मैंने 15 सेंटेंसेस दिए। पहले 15 सेंटेंसेस देख लो, 15 सेंटेंस, और कॉपी में भी रूल लिखते रहना। हर पहला सेंटेंस, ये आपका एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 1 अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, ये आपका एक्सरसाइज 2 है जो मैं अभी करा रही हूं। हर सिस्टर, पहला वाक्य, हर सिस्टर विल अराइव इन डैश डे और टू। अब देखो रूल लिखो, डे और टू, डे और टू एक फ्रेज है, डे और टू एक फ्रेज है, डे और टू एक फ्रेज है। अंडरस्टूड? डे और टू का मतलब एक दो दिनों में, एक दो दिन में कहते हैं ना, एक दो दिन में, जहां एक दो दिन वाला सेंस आए, जहां एक दो दिन वाला सेंस आए वहां हम अ डे और टू, अ डे और टू यूज करते हैं, अ लगाते हैं, डे और टू के साथ अ लगाते हैं। सपोज ये सेंटेंस होता, उसकी बहन दो तीन दिनों में आने वाली है, तो सेंटेंस होता, हर सिस्टर विल अराइव इन टू और थ्री डेज, दो तीन दिन। वहां हम अ वगैरह नहीं लगाएंगे, वहां हम अ कुछ नहीं लगाएंगे, टू आ गया ना, परंतु डे तो एक वचन है और टू, तो वहां हमने अ लगाया, अ डे और टू, ये रूल क्लियर है। अब टू और थ्री को ढंग से देखो, सेंटेंस नंबर टू में इंग्लिश is an international language, no article, language के नाम से पहले हम article नहीं लगाते। English language के किसी भी language के नाम से पहले हम article नहीं लगाते। Hindi is our national language, suppose. हाड़ोती इज स्पोकन इन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरह से इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। परंतु अगले सेंटेंस में इंग्लिश एडजेक्टिव बनकर आया है, अगले सेंटेंस में इंग्लिश एडजेक्टिव बनकर आया है,
एक तो एडजेक्टिव बनकर आया है, फिर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बनकर आया है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, द इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी टू लर्न। अब स्टार लगाकर एक रूल लिखो, स्टार लगाकर एक रूल लिखो। देखो अपन ने ये रूल देखा है, रूल ये है कि भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता, रूल ये है कि भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता, उसी तरह से लैंग्वेज शब्द से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। देखो इंग्लिश एक भाषा का नाम है और लैंग्वेज एक शब्द है जिसका मतलब है भाषा, समझ रहे हो ना, लैंग्वेज एक शब्द है और उसका मतलब है भाषा। लैंग्वेज शब्द से भी पहले आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल तभी लगता है जब लैंग्वेज के बाद ऑफ स्ट्रक्चर आए। लैंग्वेज से पहले आर्टिकल तभी लगता है जब लैंग्वेज शब्द के बाद ऑफ स्ट्रक्चर आए, जब लैंग्वेज शब्द के बाद ऑफ स्ट्रक्चर आए, ऑफ स्ट्रक्चर आए। क्लियर, अब लिखो एग्जांपल, लैंग्वेज इज ऑफ वेरियस काइंड्स, बॉडी लैंग्वेज होता है, साइन लैंग्वेज होता है, कोड लैंग्वेज होता है, ये लैंग्वेज होता है, जाने कितने लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ऑफ वेरियस काइंड्स, आपने लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं लगाया, परंतु द लैंग्वेज ऑफ पंजाब इज, या द लैंग्वेज ऑफ कोई भी स्टेट, बंगाल इज बंगाली, इज बंगाली, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से, समझ में आ गया रूल, समझ में आया, किसी को डाउट है, क्लियर है। अगला, गोल्ड, सुनो हम कहते हैं गोल्ड एक कीमती धातु है, गोल्ड एक कीमती धातु है, तो हम कहेंगे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, हम ये कहेंगे, है ना, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, कोई हमने आर्टिकल नहीं लगाया। जो गोल्ड यहां पाया जाता है, पर्टिकुलर वो गोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर या कुछ भी जो आगे उसके बारे में, द गोल्ड माइंड हियर, जो कि माइंड यानी जो कानों से निकलती है, जो सोना, द गोल्ड माइंड हियर, माइंड MINED हियर, द गोल्ड माइंड हियर, जो सोना यहां के खानों से निकलती है, इज ऑफ पुअर क्वालिटी, इज ऑफ द गोल्ड माइंड हियर, माइंड मतलब जो खानों से निकलती है,
सिटी विल हैव, हमारे शहर में भी जल्दी ही एक यूनिवर्सिटी आएगा, अ यूनिवर्सिटी, हमारे शहर में भी जल्दी ही यूनिवर्सिटी नाम की एक चीज आएगी. आर सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सून. आर सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सून. अगला, जलाशयों से पहले द लगता है. द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन. सुपरलेटिव है वहां डीपेस्ट, इसलिए आपने द लगाया. द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन. अगला, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ नो आर्टिकल, क्योंकि ये जिस मटेरियल से बना है. दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड. आई सॉ अ वन, क्योंकि व आपका कॉन्सोनेंट है. स्पेलिंग पे मत जाओ, वो है नहीं, साउंड तो व वन वाला है ना, और व आपका कॉन्सोनेंट है. और मैंने एक एक आंख वाले आदमी को देखा. आई सॉ अ वन आईड मैन, वन आईड पर्सन. अपने को लिस्ट में देखा था डेजर्ट्स के नाम से पहले द लगता है. द सहारा, द सहारा is in the northern part, the upper part, the lower part, the southern part, the eastern part, the western part, the eastern ghats, the western ghats. The Sahara is in the northern part of Africa. ये अगला तो अच्छे से याद रखो, एक वो भी है तुम्हारा. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, नॉट अ डॉक्टर. ऐसी चीजें जो इडियम्स फ्रेजेस वाले होते हैं उनको अच्छे से याद करना. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. उसी तरह से द हायर वी गो द बेटर द व्यू. द हायर वी गो द बेटर द व्यू. अब ये पेंगुइन्स कुछ भी नहीं आएगा. Penguins live in points of the globe, the lete, equator, south pole, north pole, the tropic of Cancer, the tropic of Capricorn, the Arctic region, the Antarctic region, the equator, sab the lenge points, globe ke points. Penguins live in the south pole. The South Pole. They went on, कल हमने पिकनिक किया था, ट्रिप किया था, राइड किया था, एक्सपेडिशन लिख लो वहीं पर कल वाले रूल में. एक्सपेडिशन का मतलब घूमने के लिए यात्रा. They went on an expedition to the north, the south, the east, the west. क्योंकि north का मतलब northern क्षेत्र.
बॉस था किसका द और दी अंतर समझो। देखो जब हम टी एच ई के बाद वॉवल साउंड यूज करते हैं दी ईस्ट दी ऑरेंज दी अम्ब्रेला है ना दी एप्पल परंतु द बुक द चेयर द डेस्क द फुटबॉल मैच कॉन्सोनेंट साउंड से कोई शब्द शुरू होता हो उससे पहले द लगता हो तो हम उसका उच्चारण द कहते हैं परंतु द के बाद वावल साउंड से शुरू होने वाला कुछ आए तो वहां पर हम दी इंजीनियर दी डॉक्टर नहीं कहेंगे द डॉक्टर दी इंजीनियर इज इट क्लियर दी वावल ओके माई अंकल वॉज कल हमने देखा था ऑर्डिनल से पहले द लगेगा द फर्स्ट गेस्ट टू अराइव अगला गेम्स के नाम से पहले कुछ भी नहीं आता गेम्स के नाम से पहले कुछ भी नहीं आता क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट सुपरलेटिव है ना मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स ठीक है अब ये एक्सरसाइज वन में अभी कराऊं या रूल्स कराऊं क्या चाहोगे हाँ तो ये तुम लोग आज घर पे करोगे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया तो पीडीएफ मिल गया होगा ना उसमें एक्सरसाइज कराओ चलो हाँ क्या कराओ रूम एक्सरसाइज के लिए तो मैंने 43 पेज दे रखे हैं क्या करूं ये होमवर्क पे दूं या रूल्स करा दूं अपन मंडे को कर लेंगे आज रूल्स देख लेते हैं ठीक है हाँ वैसे एक्सरसाइज आप तुम कभी मेरे को वो गधे की तरह बना दो कि ऊपर ऊपर बैठ जाओ फिर नीचे उतर जाओ फिर यूं कर लो तुम सारे डिसाइड करके मुझे बता दो क्या करना है चलो रूल्स भी कर लेंगे और ये भी कर लो अभी टाइम है हमारे पास को एक्सरसाइज भी करो और रूल्स भी कर लेना कौन सा रूल 10 कर पाएंगे 3-4 ही कर पाएंगे चलो मिसेस ग्रीन महिला का नाम है श्रीमती ग्रीन हाँ उनके नाम भी ऐसे होते हैं ग्रीन ब्राउन व्हाइट ये उनके नाम होते हैं ना मिस्टर ग्रीन मिसेस ग्रीन मिस्टर व्हाइट मिसेस व्हाइट मिस्टर ब्राउन मिसेस ब्राउन मिसेस ग्रीन सुपरलेटिव इसलिए द मोस्ट फेमस लेडी डिटेक्टिव ऑफ द 21st सेंचुरी द आंसर भी लिखते चले जाओ ना द 20 क्या हुआ अगर तुमने उतारा नहीं तो आंसर तो लिखो मिसेस ग्रीन ये एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है बहुत सारे छोटे रूल्स इसमें निकल जाएंगे मिसेस ग्रीन द मोस्ट फेमस लेडी डिटेक्टिव ऑफ द 21st सेंचुरी वॉज बॉर्न इन द यूनाइटेड किंगडम देखो यूनाइटेड किंगडम USSR, USA सब द लेते हैं इन द 1960s, द 1940s, द 1950s, द 1960s, द 1960s,
since then she has been to many countries including, और ये देश के नामों से पहले कुछ भी नहीं आता, परंतु यदि कोई देश एस पर खत्म हो तो द लगा देना, इंक्लूडिंग पोर्चुगल, सिंगापुर एंड ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी नहीं आएगा, एंड हैज लिव्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ऑन द इक्वेटर. She has never been to, S पर खत्म हो रहा है, the Philippines or the US, but she speaks language का नाम English, French and Portuguese. Like Sherlock Holmes, the famous detective, क्योंकि Sherlock Holmes particular व्यक्ति है, famous detective. She plays musical instruments के नाम से पहले द लगता है. She plays the violin and sometimes practices up to five times a day. दिन में तीन बार, three times a day, five times a day, two times a week, twice a month, twice a year, rule लिख लो, once a day, twice a day, twice a week, three times a month. She is also ekmatra. Kya aega? The only person, the o se shuru ho raha hai na, the only person in the world, samsar ek hi hai, in the world to have performed a long musical piece in one breath on nahi, recorder ke pehle aayega, recorder se pehle aayega article, to have performed a long musical piece in one breath on the recorder, a particular instrument. She has been a detective for 30 years. And claims, dawa karti hai, that although many people think, halanki kai log sochte hai, that being a detective is an easy job. Detectives generally work very hard. A detective, paribhasha, definition. A detective is someone who solves mysteries. And the people who contact Mrs. Green have some very unusual problems. Very little information is available about some of the cases jo ki unhone solve kiya hai. She has solved. But, ab ye rule likho, quite a few,
क्वाइट के बाद अ आता है, क्वाइट अ लॉट, क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ नंबर, अ आएगा, क्वाइट अ फ्यू ऑफ हर मोस्ट फेमस केसेस हैव अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन and she has been offered up to ₹1,000, $1,000 an hour to help solve mysteries, to help solve mysteries. चलो अब हम रूल्स करें. अच्छा उससे पहले कल मैंने एक और आपको एक शीट दिया था, ये वाला, ये था आई लाइक लिसनिंग टू डैश रेडियो. किया क्या किसी ने घर पे तकलीफ करी? किसी ने थोड़ी सी तकलीफ करी क्या इसको करने की? नहीं करी? नहीं नहीं किया तो फिर बताओ मुझे, फिर मैं आपको देखा. सोनू मुझे रूल्स वाला शीट दे दो. क्या रेडियो? हाँ बिल्कुल आएगा. टेलीविजन, रेडियो इन सबसे पहले तो आएगा. हाँ United States, 20 months ago. अच्छा तुमने इसको ऐसा कर लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत समझदारी करी. कैसे किया? बहुत अच्छा किया. चलो रूल नंबर 21, रूल नंबर 21. Man, nature, society, life, time. Man, nature, society, life, time. इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता जब ये जनरल सेंस में यूज होते हैं, जब ये जनरल सेंस में यूज होते हैं. जैसे हम कहते हैं मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल. प्रकृति सुंदर है, नेचर इज ब्यूटिफुल. सोसाइटी अलाउज मैन टू फ्लरिश, समाज व्यक्ति को पनपने देता है. Life is filled with experiences. जीवन अनुभवों से भरा होता है. Time is precious. We should not waste time. Time से पहले कुछ नहीं आया. परंतु अब कहाँ आर्टिकल आएगा इन शब्दों के साथ? इन शब्दों के साथ आर्टिकल कहाँ आएगा? परंतु एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा स्वभाव, ना कि प्रकृति, प्रकृति नहीं, एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा समाज, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा समय, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया. There came a time. यूं समय कीमती है, time is valuable. परंतु उसके जीवन में एक ऐसा समय आया. There came a time. A man who wastes time is an idler. A man, एक ऐसा आदमी, यू अपन ने कहा man is mortal. यू अपन ने कहा man is mortal. पर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर किस्म का आदमी.
जो कि टाइम खराब करता है, एक ऐसा आदमी है ना, अ मैन हु वेस्ट टाइम इज एन आइडलर, अ मैन हु वेस्ट टाइम इज एन आइडलर। अब एक्चुअली यहां द क्यों नहीं आया, द मैन हु वेस्ट टाइम इज एन आइडलर क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हाँ हम एक की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग है ना, अ मैन हु वेस्ट टाइम इज एन आइडलर, वो एक ऐसा आदमी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, एक ऐसा आदमी, ही इज अ मैन whom you can trust, ये वो आदमी है जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए, वो एक ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी मतलब और भी कई आदमी है उसकी तरह, he is a man, पर ये अकेला वो आदमी है जिस पर आप trust करें, he is the man whom you can trust, फर्क समझ में आ रहा है या नहीं, भाई he is a man का मतलब एक ऐसा आदमी, उसकी तरह और भी 10-20-50 है, अ मैन ओके, जिससे कि आप बात कर सकते हो, पर ये वो पर्टिकुलर आदमी है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो, ही इज द मैन, समझ में आ रहा है डिफरेंस, ये एक्सरसाइज से ही बैठेगा, इसीलिए मैंने इतने दिए आपको 43 शीट्स में, आप ये मानकर चलो कि कम से कम 400 सेंटेंसेस होंगे, अपन आर्टिकल्स कम से कम 500-600 सेंटेंसेस हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिस करेंगे अपन, बहुत है। हाँ मतलब आप और भी आदमी उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये उनमें से एक आदमी, He is a man whom you can trust. Suppose मैं कहती, देखो जिसका भी जो doubt है ना, you can trust the man. You can trust the man. एक particular आदमी की मैं बात कर रही हूँ। You can trust the man. मेरा focus उस आदमी पर है। You can trust the man. ये कैसा व्यक्ति है, और ये अकेला नहीं है, इसकी तरह 10-20-50 है। He is a man whom you can trust. जब मेरा focus ये है कि one particular person वहां मैंने न लगाया, You can trust the man. ये पर्टिकुलर व्यक्ति जिस पर भरोसा कर सकते हो, the. पर यहां मैं कह रही हूं, हाँ ये इसकी तरह 10-20 हैं और आप इसको तो ट्रस्ट कर सकते हो, he is a man you can trust. हाँ नहीं वो तो आ रहा है बिल्कुल, हाँ इसलिए तो देखो कितनी कायदे की बात पूछी है, ये पूछ रही है he is The man, जब रिलेटिव क्लॉज आ गया हो, और अपन ने रूल लिखा है कि रिलेटिव क्लॉज के बाद हम द लगाते हैं, तो ही इज, कॉपी खोलो और लिखो रूल, लिखो, देखो कितनी बार तुम लोग के सवालों से रूल के अंदर से रूल निकल जाता है, पूछा करो क्लास में, जुओं की कंघी नहीं फेरेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, मोटी मोटी कंघी चलाने से काम नहीं पड़ चलेगा, चाहे 500 ही सेंटेंस कर ले, हाँ नहीं जू जू की कंघी तो निकालनी पड़े, जू कहते मेरे कुछ नहीं मेरे पालों में चिंता मत करो, लिसन बहुत कायदे की बात पूछी, प्लीज राइट, लिखो दो सेंटेंस लिखो, The man you trusted, the man you trusted
well, did his job well. Agla, the man who won the first prize, is standing there. Agla, this is the man who came here yesterday. Agla, he is a man whom you can trust. Agla, he is the man whom she trusted. अब इन सारे सेंटेंसेस को देखो, इन सारे वाक्यों में एक पर्टिक्युलर आदमी जिसने कोई काम किया, जिसने प्राइज जीता, जिसने जो कल यहां आया, जिसको कि उसने ट्रस्ट किया, पर्टिक्युलर आदमी. Clear? He is the man who came here yesterday. ये वो particular आदमी है, particular यही आदमी आया था, इसके अलावा दूसरा नहीं आया. The man who came here yesterday. ये वो आदमी है particular जिस पर कि इसने भरोसा किया, किसी और आदमी पे भरोसा नहीं किया, इसने तो उसी पे भरोसा किया. He is the man she trusted. He is the man who won the first prize. उसी ने first prize जीता, उसके अलावा किसी ने first prize नहीं जीता. हाँ, clear? यहाँ तक clear है? लक्ष्मी, तेरी तो विशेष कृपा हम सब पर होनी चाहिए, इसलिए तेरी तो पूछेगी सही. चलो, अब सुनो. He is a man. चाहो तो इसमें ट्रस्ट कर सकते. He's a man. मैं ये नहीं कह रही कि ये एकमात्र आदमी है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो. तुम्हारे पास चॉइस है, ऐसे बहुत लोग हैं, पर हाँ, इस पर भी भरोसा किया जा सकता है, तुम्हारे ऊपर है. लिसन, नहीं समझ में आया अभी, सुनो. Delhi is a city worth visiting. कई शहर हैं worth visiting. उनमें से दिल्ली एक शहर है. Delhi is a city worth visiting. अगर मैं कहूँ Delhi is the city worth visiting, तो मैं एक तरीके से कह रही हूँ कि बाकी सारे शहर तो visiting के लायक नहीं. Delhi. Okay. दूसरा, सब फर्क समझ में आ रहा है? थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो? Delhi is the city we visited. Delhi is the city we are visiting. जब हम कहते हैं he is the man, तो मतलब ये और इसके अलावा दूसरा कोई नहीं. और जब हम कहते हैं, देखो तुम्हारे पास चॉइस है, बट हाँ, ये आदमी भी ठीक है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो. He's a man you can trust. फर्क है ये. भले रिलेटिव एक आध अपवाद इस तरीके वेरी गुड होती,
इस तरीके से तुम लोग थोड़ा सोचो क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली मत करो एक्सरसाइज। रिलेटिव क्लॉज आया तो तुरंत उससे सवाल पूछा ना कि यहाँ रिलेटिव क्लॉज आया तो यहाँ आपने द क्यों नहीं बोला, क्यों बोला। तो ऐसे दिमाग थोड़ा सा यूज करो तभी तुमको बातें क्लियर होंगी। तुम पूछोगे तो मैं समझाऊंगी, है ना। तो इसलिए पूछा करो। हाँ
हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ये एक अकेला आदमी है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। हम एक आदमी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, ये एक ऐसा आदमी है, ये एक ऐसा आदमी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। अगर मैं कहूँ ये वो, सुन लो, अगर मैं कहूँ, और प्लीज लिखो साथ साथ, कि ये अकेला वो व्यक्ति है जिस पर उसने भरोसा किया, ये वो पर्टिकुलर आदमी है जिस पर कि उसने भरोसा किया, किया उसने 10-20 पे भरोसा नहीं किया, एक पे भरोसा किया, है ना। He is the man whom she trusted, ट्रस्ट कर चुकी है, इसलिए अभी अपन ने वहां द लगाया। पर जब हम कहते हैं कि वो एक ऐसा आदमी है जिस पर कि भरोसा किया जा सकता है, एक ऐसा आदमी अन्य भी है पर ये भी उनमें से एक है। अब चॉइस है सामने वाले पर, जब तक वो चूज नहीं करती तब तक है, वो चूज कर लेती है एक को, ही इज द मैन होम शी ट्रस्टेड। अब फर्क समझ में आ गया, राउल लिख लिया, रूल लिख लिया, चलो। उसी तरह से देयर, क्लियर है ज्योति, देयर कम्स अ टाइम इन मैन्स लाइफ व्हेन ही इज एम्बिशियस, सक्सेसफुल, कुछ भी लगाओ, एक ऐसा भी समय आता है मनुष्य के जीवन में, देयर कम्स अ टाइम इन मैन्स लाइफ, एक ऐसा भी समय आता है मनुष्य के जीवन में जब वो महत्वाकांक्षी होता है, जब वो सफल होता है, जब वो कुछ भी होता है। उसी तरह से एक ऐसा समाज जो कि कट्टर हो, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अ सोसाइटी विच इज रिजिड कैनॉट प्रोग्रेस, एक ऐसा समाज जो कि कट्टर हो कई बातों में, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसका एक ऐसा स्वभाव है, ये प्रकृति नहीं स्वभाव, शी हैज अ नेचर विच इज फुल ऑफ जेनेरोसिटी। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, एक ऐसा जीवन जो संघर्ष भरा था, ऑफ स्ट्रक्चर पर आ रहा है, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, उसने संघर्ष भरा जीवन निकाला, अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल। इन सब सेंटेंसेस में इंडिविजुअल, ना कि टोटल की बात हो रही है, भिन्न भिन्न प्रकार में एक ऐसा भी, ये एक ऐसा आदमी है जो कि, ये एक ऐसा समाज है जो कि, ये एक ऐसा जीवन था जो कि, इज इट क्लियर? यू शुड नॉट डू 22-23, ये सब आज मत करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, रूल्स बारीकी से चल रहे ना। तुम ऐसा करो घर पे, आज तुम आज घर पे केवल जो मैंने 43 शीट्स दिए हैं उसमें से डिसाइड कर लो आज कि तुम पहले शुरू के इतने पेजेस करोगे, है ना। अगर तुम, और उसमें कोई डाउट है, मैं भले ही नेक्स्ट सैटरडे बिठा के सारा करा दूंगी, पर कोई पट्टी, सुनो मेरी बात, जाओ मत अभी, जब तुम, कल संडे है, पहले 5 पेजेस सॉल्व कर लो संडे तक, 5 पेजेस, सुनो, उन 5 पेजेस में कोई कहीं अटक रहे हो तो उसको ग्रुप पर डिस्कस करो, मैं देख लूंगी कल, और मैं मंडे को क्लास में उससे रिलेटेड कोई रूल चूक रहा होगा तो मैं यहाँ करा दूंगी, है ना, क्योंकि बारीकी से करने वाली चीज है आर्टिकल्स डिटरमिनर्स, और अगला जो टॉपिक हम करेंगे प्रेपोजिशंस, अंडरस्टूड?